फैसला है कि कब तक जो है टोल बूथ चालू होगा, टोल प्लाजा चाहे यहाँ पे मशीन है ये जस्ट सामने, तो यहीं से जो है टोल बूथ का लोड टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाता है। बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है जगह पे टोल बूथ के जस्ट सामने, यहाँ पे लाइट उट का पूरा जो है बंदोबस्त ये सारा क्लियर हो गया है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो न्यू ब्लॉग में आप लोग का जोरों शोर से स्वागत है। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम लोग बेगूसराय टोल टैक्स का अपडेट लेने वाले हैं, टोल प्लाजा का अपडेट लेने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं, अपने धनों को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आगे का अपडेट। तो गाइस बिना टाइम गवाए फटाफट से लगाते हैं इंट्रो और दिखाते हैं आगे का अपडेट। अभी जस्ट जो है हम लोग रमजानपुर क्रॉस किए हैं, तो अभी नेशनल हाईवे 31 से हम लोग जो है ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है इधर से डायरेक्ट जाएंगे बेगूसराय टोल टैक्स। तो देखते हैं टोल टैक्स का क्या अपडेट है। मैं ज़्यादा कुछ है कि बहुत बड़ा अपडेट आया है टोल टैक्स का, तो देखते हैं कि कौन सा अपडेट है। आप लोग एंड तक बने रहिएगा और आपको ज़रूर दिखाएंगे कि टोल टैक्स का क्या अपडेट है, नया क्या अपडेट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नेशनल हाईवे 31 पे तो पूरा जो है यहाँ पे साफ़ सफाई का भी थोड़ा बहुत जो है ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बेगूसराय जो है अब पहले जैसा नहीं रहा। बेगूसराय अब बेगूसराय नहीं रहा, चेंज हो गया है, क्योंकि नगर निगम हर एरिया में होने जा रहा है। बेगूसराय का मुख्य मुख्य जो एरिया है तो वो सब एरिया नगर निगम होने जा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जो है जस्ट लमसम टोल टैक्स के पास पहुंचने वाले हैं। और गाइस क्या बोलूँ, मेरे पास माइक है नहीं, आप लोग को जानकारी होगा तो कौन सा माइक लेना बेहतर होगा जो आप लोग को प्रॉपर मतलब आप लोग को वॉइस जो है क्लियर दे पाऊँ जिसके लिए। तो गाइस अभी देख पा रहे होंगे यहाँ सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है टोल बूथ, आपको सामने से दिख रहा होगा टोल बूथ लिखा हुआ है। तो अभी जो है फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कौन सा गांव क्रॉस किए हैं। बाय द वे तो गाइस हम लोग HP पेट्रोल पंप हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, बाद बाकी यहाँ पे बहादुरपुर हम लोग जो है क्रॉस किए हैं अभी जस्ट। तो चलते हैं बहादुरपुर के बाद एक और गांव छोटा सा है, जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया हूँ, हर वीडियो में अपडेट दिया हूँ कि बहादुरपुर के बाद एक छोटा सा गाँव है। और देखते हैं कि कौन सा है गाँव। तो ढाला है ये, मतलब बोले तो ढाला है छोटा सा। तो ये रहा भगवानपुर ढाला, भगवानपुर ढाला के बाद एक और ढाला है, उसके बाद जो है गाइस हम लोग का टोल बूथ मतलब टोल टैक्स जो है टोल प्लाजा, बहुत सारा नाम है, टोल टैक्स बोल लीजिए, टोल प्लाजा बोल लीजिए, टोल बूथ बोल लीजिए, बहुत सारा नाम है टोल टैक्स का। तो गाइस अभी यहाँ से देख पा रहे होंगे टोल बूथ 500 मीटर MTL। तो देखते हैं टोल बूथ 500 मीटर है और यहाँ पे पूरा जो है बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड भी आपको दिखाएंगे आज का। यहाँ पे बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है जगह पे टोल बूथ के जस्ट सामने, यहाँ पे लाइट उट का पूरा जो है बंदोबस्त ये सारा क्लियर हो गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो गाइस अभी जगह पे तो सिर्फ बोर्ड लगा है टोल फ्री, देख पा रहे होंगे टोल फ्री यहाँ पे बोर्ड लगा है, व्हीकल ट्रैप और ग्लास, उसके बाद सिग्नल, उसके बाद रेटिंग यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। आपको दिख रहा होगा ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा और भी दो बोर्ड है आगे जिसके बारे में आगे सामने में जानकारी कुछ लिखा हुआ है। ऊपर में कार है, ट्रक है, बस है, बड़का ट्रॉली है, तो बड़ा बड़ा बस मतलब ट्रक है, वो सब के बारे में जो है दिया हुआ है, जिसका टोल कितना कितना लिया जाएगा, रेट के साथ वो देखा जाएगा, कितना वेट होना चाहिए गाड़ी में, वो सारा कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग लमसम बेगूसराय टोल बूथ के पास पहुंच चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी ड्राइव जोन का बोर्ड लगा हुआ है। बाद बाकी जो है ये शाहपुर टोल प्लाजा है, जिसका काम जो है पूरा फाइनल ओके हो गया है। अब तक ये पता नहीं चला है कि कब तक जो है टोल बूथ चालू होगा, टोल प्लाजा चालू होगा, ये चीज़ अब तक कन्फर्म नहीं हुआ है। और बाद बाकी जो है टोल प्लाजा के जस्ट सामने जो है थोड़ा सा मतलब पुलिस चेकिंग भी है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इससे अपना भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अपने भाई के गाड़ी में सारा चीज़ ओके होता है। तो बाद बाकी इधर में देख पा रहे होंगे टोल प्लाजा का पूरा जो है सेटअप, यहाँ पे बाय केबिन 2, 4, 2, 6, 7 केबिन है यहाँ पे टोटल, तो 7 केबिन जो है ओके हो चुका है। बाद बाकी बिहार में जो है देख पा रहे होंगे कितना थूक थूक के कितना केबिन को साफ़ सुथरा कर दिया गया है, तो यही पूरा जो है इस जगह पे चेकिंग जो है अच्छे से चल रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, ये सब जो है अपना एरिया में खैर कॉमन बात तो नहीं है, बल्कि उससे बेहतर है। तो अभी फ़िलहाल पेट्रोल पंप पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अपनी धनों में जो है
मतलब हवा एयर जो है वो कम है, तो देखते हैं यहाँ पे तो पेट्रोल पंप पे एयर है नहीं, क्योंकि भाई फ्री का मिलेगा तो फ्री का कौन नहीं लेना चाहेगा, फ्री का तो लेना चाहेगा ही आदमी। तो इस जगह पे यही सब कुछ है, सारा कुछ है, टोल बूथ का अपडेट ये सामने आपको दिख रहा हुआ टोल बूथ। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो भाई साहब ये जो टोल बूथ का लोड टेस्ट यहाँ पे मशीन है ये जस्ट सामने, तो यहीं से जो है टोल बूथ का लोड टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाता है। और बाद बाकी बेगूसराय 4 लेन का अपडेट जो है आपके सामने है यहाँ पे दिख रहा होगा। और हर जगह पे यहाँ पे केबल उबल को निकाला जा रहा है, जहाँ जहाँ पे लाइटिंग का काम नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ पे कैमरा का काम नहीं हुआ है, वो सब जो है जगह पे अभी किया जा रहा है। और टोल बूथ का दोनों साइड में जस्ट मतलब राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मतलब इन और आउट दोनों साइड में जो है पुलिस प्रशासन जो है हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि कोई सा भी मिस्टेक कोई सा भी गलती या कुछ भी हो तो यहाँ पे हैंडल किया जा सकता है। और बाद बाकी जो है गाइस बेगूसराय के अंदर में जो है बाइक चोरी चार चक्का चोरी ये जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप लोग भी अगर जो हमारे बेगूसराय के सब्सक्राइबर है और अपने लोकल एरिया में जितने भी सब्सक्राइबर है, अपने सामान का खुद से रखवाली कीजिए, खुद से रक्षा कीजिए, खुद स्वयं तैनात रहिए हमेशा और अपना सामान जो है देख रेख करते रहिए। तो गाइस यही सब खास अपडेट था बेगूसराय टोल टैक्स का, और कुछ खास तो अपडेट था नहीं, तो खैर कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और गाइस चैनल पे नए हैं तो बढ़िया बढ़िया हाथ से सब्सक्राइब वाला बटन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा थोड़ा सा भी मोटो ब्लॉगिंग जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना राय दीजिए। तो गाइस ये रहा सामने, यहाँ पे कंक्रीट फैक्ट्री है, ये सामने जस्ट आप देख पा रहे होंगे ये कंक्रीट फैक्ट्री ही है, आपको दिख रहा होगा पूरा फैक्ट्री, तो कंक्रीट फैक्ट्री है। और इसी सब बात के साथ में ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।